Hello and welcome you all to Guru Mantra classes. Today we are going to deal with chapter number 8 where we are going to talk on climate, composition and structure of the atmosphere. Let's start with the lecture. So, सबसे पहले इस chapter में हम देखने वाले हैं कि जो atmosphere है उसका stratification कैसे है, क्या कौन कौन सी layers हैं और उन layers के क्या क्या अपने फायदे हैं और नुकसान हैं. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले आपको स्क्रीन पे जो एटमॉस्फेयर है उसका एक स्ट्रैटिफिकेशन दिख रहा होगा. ठीक है, सबसे जो लोअर लेवल होता है उसको हम कहते हैं ट्रोपोस्फेयर. ठीक है, उसके बाद स्ट्रैटोस्फेयर, फिर मीजोस्फेयर, फिर थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर. ठीक है, ये जो मैंने यहाँ पे दिखा रखा है ये किलोमीटर्स है, यानी कि ये लेयर कितने से कितने किलोमीटर में ऑलमोस्ट फैला हुआ है. ठीक है, तो जब हम ट्रोपोस्फेयर की बात करते हैं तो ये 0 to 10 किलोमीटर्स है. स्ट्रेटोस्फेयर 10 to 50 ऑलमोस्ट होता है. मीजोस्फेयर 50 to 80 किलोमीटर्स होता है. 80 to 400 इज थर्मोस्फेयर और 400 के बाद जो शुरू हो जाता है वो एक्सोस्फेयर है. ठीक है, अब आप एक चीज यहां पे देखना कि जो ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर है, ठीक है, उनके बीच में जो ये लेयर है, ठीक है, ये बीच में जो एक लेयर है इसको हम कहते हैं ट्रोपोपॉज. क्या कहते हैं? ट्रोपोपॉज. ठीक है, स्ट्रेटोस्फेयर और मीजोस्फेयर के बीच में जो लेयर है इसको हम कहते हैं स्ट्रेटोपॉज. ठीक है, और मीजोस्फेयर और थर्मोस्फेयर के बीच में जो लेयर है उसको हम कहते हैं मीजोपॉज. ठीक है, तो इस तरीके से हमने अपने एटमोस्फेयर को लेयर्स में डिवाइड किया हुआ है जिनके नाम ये हैं, और ये जब एक लेयर खत्म होता है और दूसरा शुरू होता है तो उसके बीच के लेयर को ट्रोपोपॉज, स्ट्रेटोपॉज और मीजोपॉज कहते हैं. ठीक है, अब हम एक एक करके सारे लेयर्स के बारे में पढ़ेंगे कि इन लेयर्स में क्या होता है, क्या क्या चीजें इसमें एक्ट करती है. तो मैंने भी आपको बताया कि जो लोएस्ट लेयर होता है वो होता है ट्रोपोस्फेयर. ठीक है, ये 0 to 10 किलोमीटर के रेंज में होता है, बट ये वेरी करता रहता है. ठीक है, अलग अलग डायरेक्शन में ये अलग अलग वेरी करता रहता है. ठीक है, तो जब इस लेयर में, ट्रोपोस्फेयर के लेयर में जब हम ऊपर जाते हैं, ठीक है, तो यहां पे आपको ट्रोपोपॉज दिखेगा. ठीक है, ये चीजें मैंने अभी आपको बताई थी कि ट्रोपोपॉज होता है, स्ट्रेटोपॉज होता है और मीजोपॉज होता है. ठीक है, ये चीज आपको यहां पे जाननी जरूरी है. इन लेयर्स में, ये जो ट्रोपोपॉज, स्ट्रेटोपॉज और मीजोपॉज है, इन लेयर्स में टेम्परेचर वैरी नहीं करता है. ये लेयर्स जो होते हैं इनमें टेम्परेचर वैरी नहीं करता है और यहां पे टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रहता है. ठीक है, हाउएवर जब हम ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर और मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर की बात करते हैं तो यहां पे टेम्परेचर चेंज होता है जैसे जैसे हम हाइट पे ऊपर जाते हैं. ठीक है, मान लो हमने यहां से शुरू किया और यहां से यहां तक जब हम गए तो यहां पे टेम्परेचर में काफी चेंजेस देखने को हमें मिलता है. ठीक है, वहीं अगर हम ट्रोपोपॉज, स्ट्रेटोपॉज और मीजोपॉज की बात करते हैं तो यहां पे टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रहता है. ठीक है, ओके, यही चीजें मैंने ये भी आपको बताई है. अच्छा, जब हम स्ट्रेटोपॉज पे पहुंचते हैं, ठीक है, जब हम स्ट्रेटोस्फेयर पे पहुंचते हैं तो यहां पे टेम्परेचर इंक्रीज करता है. ठीक है, फिर जब हम स्ट्रेटोपॉज पे पहुंचते हैं तो टेम्परेचर कांस्टेंट होता है. मीजोस्फेयर में टेम्परेचर डिक्रीज करता है. मीजोपॉज पे फिर से कांस्टेंट होता है ये. थर्मोस्फेयर में टेम्परेचर इंक्रीज करता है और एक्सोस्फेयर में टेम्परेचर कोई भी रोल प्ले नहीं करता है. तो हम देखते हैं कैसे कैसे ये सारी चीजें काम करती है. तो हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कि जब हम ग्राउंड सरफेस से, जब हम ग्राउंड सरफेस पे रहते हैं और यहां से जब ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर जो होता है वो डिक्रीज करता है. विद राइजिंग एल्टीट्यूड, जब एल्टीट्यूड बढ़ता है तो टेम्परेचर गिर जाता है, टेम्परेचर डिक्रीज करता है. ये चीज हमने पढ़ी है. तो यहां पे जब आप लेयर देखोगे, ये जब लेयरिंग जब हम बात करते हैं तो यहां पे जो ट्रोपोस्फेयर होता है, तो यहां जब हम अर्थ सर्फेस से ट्रोपोस्फेयर तक जाते हैं तो यहां पे जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज करता है क्योंकि हाइट बढ़ रही है, तो यहां पे टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है. फिर जब हम स्ट्रेटोस्फेयर में जाते हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज करता है. स्ट्रेटोस्फेयर में जब हम जाते हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज करता है. फिर मीजोस्फेयर में जाते हैं तो अगेन टेम्परेचर डिक्रीज करता है, अगेन टेम्परेचर डिक्रीज करता है. थर्मोस्फेयर में जाते हैं तो अगेन इंक्रीज करता है.
तो ये जो अल्टरनेटिंग डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज हो रहा है ये क्यों होता है, इन चीजों के बारे में हम देखेंगे। पहले आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि किस लेयर में टेम्परेचर डिक्रीज करता है, किस लेयर में टेम्परेचर इंक्रीज करता है, और ये अल्टरनेटिंग चलता है। तो ट्रोपोस्फेयर में डिक्रीजिंग टेम्परेचर, स्ट्रेटोस्फेयर में अगेन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, मीजोस्फेयर में डिक्रीजिंग टेम्परेचर और थर्मोस्फेयर में इंक्रीजिंग टेम्परेचर। एग्जोस्फेयर की हम बात इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि ये हमारे रेलेवेंट नहीं है। अब आप देखो, ये आप पिक्चर देखो आपके सामने जो है, यहां पे ट्रोपोस्फेयर है, यहां पे ट्रोपोस्फेयर है। तो ट्रोपोस्फेयर में क्या हो रहा है, यहां से आपने शुरू किया, तो ट्रोपोस्फेयर में टेम्परेचर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। जब आप जैसे जैसे ट्रोपोस्फेयर में ऊपर जाते हो टेम्परेचर डिक्रीज करता टेम्परेचर डिक्रीज करता है, और जब आप ट्रोपोपॉज पे जाते हो तो टेम्परेचर रिमेन्स कॉन्स्टेंट। फिर जैसे आप स्ट्रेटोस्फेयर में जाते हो तो टेम्परेचर यहां पे इंक्रीज करता है, स्ट्रेटोपॉज पे जब आप जाते हो तो टेम्परेचर कॉन्स्टेंट हो जाता है, अगेन जब आप मीजोस्फेयर में जाते हो तो टेम्परेचर डिक्रीज करता है, मीजोपॉज में जब आप जाते हो तो टेम्परेचर कॉन्स्टेंट होता है, और फिर जब आप थर्मोस्फेयर में जाते हो तो टेम्परेचर अगेन इंक्रीज करता है। ठीक है, ये चीज बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए आपके। अब एक एक करके सारे लेयर्स के बारे में बात करेंगे। तो जो ट्रोपोस्फेयर होता है, ये जितने भी वेदर कंडीशंस और क्लाइमेटिक कंडीशंस हमें देखने को मिलते हैं ये सिर्फ ट्रोपोस्फेयर में होते हैं। यहीं पे जितना भी वेदर कंडीशंस और क्लाइमेटिक कंडीशंस चेंज होता है अर्थ सरफेस पे, ये ट्रोपोस्फेयर की वजह से ही हमें देखने को मिलता है। यहां पे हमें क्लाउड्स मिलते हैं, वाटर वेपर मिलता है, और यहां पे प्रेसिपिटेशन भी होता है, और इसी लेयर में पोल्यूशन भी होता है। ठीक है, क्योंकि पोल्यूशन बहुत ऊपर तक तो जा नहीं सकता, तो इसी लेयर में हमें पोल्यूशन देखने को मिलता है, यहीं पे हमें क्लाउड भी देखने को मिलते हैं, वाटर वेपर भी देखने को मिलता है, और प्रेसिपिटेशन भी देखने को मिलता है। इस लेयर में जैसे जैसे हम अप्रोक्सीमेटली 165 मीटर ऊपर जाते हैं, जैसे जैसे 165 मीटर ऊपर जाते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज करता है। ये एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं है, ये ऊपर नीचे चेंज भी होती रहती है, बट आप समझने के पर्पस से इसको समझना। तो इस लेयर में जैसे जैसे हम ग्राउंड सरफेस से 165 मीटर अगर ऊपर गए तो 1 डिग्री टेम्परेचर डिक्रीज करता है। और अभी आपने देखा था कि ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर को जो लाइन डिवाइड करती है उस लाइन को हम कहते हैं ट्रोपोपॉज। तो ये ट्रोपोस्फेयर के बारे में देखा आपने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, फिर बात करते हैं स्ट्रेटोस्फेयर की। तो स्ट्रेटोस्फेयर हमें कहां मिलता है, ये हमें ट्रोपोस्फेयर के ऊपर मिलता है, और ये लगभग 50 किलोमीटर तक रहता है इसकी हाइट, 10-50 किलोमीटर मैंने अभी आपको दिखाया था। इस लेयर में टेम्परेचर इंक्रीज करता है। अब आप पूछोगे कि टेम्परेचर इंक्रीज कैसे करता है, तो एक बात याद रखना, इसी लेयर में हमें मिलता है ओजोन, इस लेयर में हमें मिलता है ओजोन। और ओजोन क्या करता है, ये जो अल्ट्रावायलेट रेज होती है ना, अल्ट्रावायलेट रेज को अब्सॉर्ब करता है। अल्ट्रावायलेट रेज का जो टेम्परेचर इंटेंसिटी होता है वो काफी हाई होता है, और ये जब अब्सॉर्ब होता है इसी की वजह से स्ट्रेटोस्फेयर में टेम्परेचर इंक्रीज होता है। तो यहां पे तो कॉन्सेप्ट खत्म ही हो गया इस चीज का कि जब हम कहते हैं कि जैसे जैसे हाइट इंक्रीज होती है टेम्परेचर डिक्रीज करता है, लेकिन स्ट्रेटोस्फेयर में तो ये चीज नहीं हो रही है। यहां पे टेम्परेचर हाइट के साथ क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ये इस वजह से इंक्रीज करता है कि इस लेयर में हमें ओजोन मिलता है, और ओजोन जो होता है वो अल्ट्रावायलेट रेस को अब्सॉर्ब करता है, और अल्ट्रावायलेट रेस की इंटेंसिटी काफी ज्यादा होती है, इसी वजह से इस लेयर में टेम्परेचर इंक्रीज करता है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, यहां पे जितने भी आप एरोप्लेन्स वगैरह देखते हो, जेट्स वगैरह देखते हो, ये सब स्ट्रेटोस्फेयर में ट्रेवल करते हैं, ये सब स्ट्रेटोस्फेयर पे पहुंच के और वहां से अपनी जर्नी शुरू करते हैं। तो स्ट्रेटोस्फेयर में पहुंच करके, स्ट्रेटोस्फेयर में ही ये सारी चीजें क्यों चलती है, स्ट्रेटोस्फेयर में इसलिए चलती है क्योंकि यहां पे वेदर कंडीशंस नहीं होती कोई, यहां पे कोई क्लाउड्स नहीं दिखते आपको, कोई वेदर और कोई क्लाइमेटिक चेंजेस नहीं होते इस लेयर में, और यहां पे मौसम साफ होने की वजह से यहां पे काफी ईजी होता है जेट्स और एरोप्लेन्स को उड़ाना। ठीक है, इसीलिए जब भी हम स्ट्रेटोस्फेयर की बात करते हैं तो जेट्स और एरोप्लेन्स इसी लेयर में ट्रैवल करती हैं। ठीक है,
अब हम बात करेंगे मीजोस्फेयर की। तो मीजोस्फेयर अभी हमने देखा था कि स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर वाला लेयर होता है जो कि लगभग 80 किलोमीटर तक स्ट्रेच्ड है। यहां पे टेम्परेचर डिक्रीज करता है, वही वही वाला फिनोमिना कि जब हाइट इंक्रीज करती है तो टेम्परेचर डिक्रीज करता है। तो हाइट और टेम्परेचर डिक्रीज करने का रीजन आपको पता है कि हम जैसे जैसे हाइट ऊपर जाएंगे वैसे वैसे वहां का टेम्परेचर नीचे जाएगा, टेम्परेचर कम हो जाएगा। उसके बाद यहां पे नॉर्मल सिचुएशंस होती है, यहां पे जैसे जैसे हाइट ऊपर जाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर कम होता जाता है। और इसी मीजोस्फेयर के ऊपर वाले लेयर को हम कहते हैं मीजोपॉज। आपने देखा था ट्रोपोपॉज, स्ट्रेटोपॉज और मीजोपॉज क्या होता है, तो आई होप इसको दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। फिर आते हैं थर्मोस्फेयर पे। अब अगेन थर्मोस्फेयर पे जब हम पहुंचते हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज करता है। अब ये क्यों होता है, तो हमने देखा था कि स्ट्रेटोस्फेयर में ये ऐसा होता है तो समझ आता है क्यों होता है, क्योंकि वहां ओजोन लेयर मिलता है। थर्मोस्फेयर में क्या रीजन है, तो यहां पे हमें आयंस मिलते हैं, वही पॉजिटिव नेगेटिव वाले आयंस, यहां पे हमें आयंस मिलते हैं। आयंस क्या करते हैं, ये जो सनलाइट आती है ना, ये सनलाइट जो आती है इसके साथ रिएक्ट करते हैं, इसके साथ रिएक्ट करने की वजह से इनमें हीट जनरेट होता है। आयन सनलाइट के साथ रिएक्ट करते हैं और इसी रिएक्शन की वजह से हीट जनरेट होता है, जिसकी वजह से यहां का टेम्परेचर बढ़ जाता है। ये इसीलिए ये लेयर जो है ये हॉट होता है, और यहां इस लेयर में रेडियो वेव्स जो है ये रेडियो वेव्स ट्रांसमिट होता है अर्थ से। ये अर्थ है, ये थर्मोस्फेयर है, तो यहां से रेडियो वेव्स ट्रांसमिट हम थर्मोस्फेयर में करते हैं, और ये जो थर्मोस्फेयर में रेडियो वेव्स हमने भेजा यही इसी लेयर से अर्थ सरफेस पे ये वापस रिफ्लेक्ट करता है, और यही थर्मोस्फेयर बाद में आउटर स्पेस से जाके मर्ज कर जाता है, आउटर स्पेस से जाके मर्ज कर जाता है। तो ये जो थी ये लेयर्स थी एटमोस्फेयर की। अब हम पूरे एटमोस्फेयर के बारे में पढ़ते हैं कि हमें पता है कि एटमोस्फेयर में बहुत सारी गैसेस मिलती है। We all know that there are numerous gases in the atmosphere. अब atmosphere में सबसे ज्यादा कौन सी गैस मिलती है, सबसे कम कौन सी गैस मिलती है, उससे कम कौन सी गैस मिलती है, इसे हम decreasing order में देखेंगे। तो सबसे ज्यादा जो मात्रा में हमें atmosphere में गैसेस मिलती है वो होती है nitrogen। पढ़ा ही होगा आप लोगों ने बचपन में, है ना, तो nitrogen सबसे ज्यादा हमें मिलता है। उसके बाद हमें मिलता है oxygen, उसके बाद हमें मिलता है आर्गन, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, फिर नियॉन, फिर हीलियम, फिर क्रिप्टन, फिर ज़ेनॉन, और उसके बाद हाइड्रोजन। तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है, सबसे ज्यादा से सबसे कम। और भी छोटी छोटी गैसेस होती हैं, बट अब सबको तो आप याद कर नहीं सकते हो, तो इतना मेन है। आई होप ये चीज क्लियर है। इन गैसेस को हम कहते हैं परमानेंट गैसेस। क्या कहते हैं, परमानेंट गैसेस। क्यों, क्योंकि आप कहीं पे भी अर्थ पे चले जाओ, किसी भी प्लेस पे चले जाओ आप अर्थ में, चाहे आप इक्वेटर पे चले जाओ, चाहे आप ट्रॉपिक्स पे चले जाओ, या फिर आप पोल्स पे चले जाओ, और वहां के सैंपल को टेस्ट करो, तो आपको देखने को ये मिलेगा कि जो एयर का सैंपल है, एयर का जो कॉम्पोजिशन है वो हर जगह सेम है, इसीलिए इनको हम परमानेंट गैसेस कहते हैं। ओके, उसके बाद कुछ वेरिएबल गैसेस होती हैं। परमानेंट गैसेस तो हमने देखी, फिर हम कुछ वेरिएबल गैसेस देखेंगे, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ये काफी इंपॉर्टेंट गैस होता है, और ये जो जैसे जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन है, इंसुलेशन जो है जिसको हम कहते हैं, इनकमिंग सोलर रेडिएशन को क्या करती है, ये ट्रैप करती है, इनकमिंग सोलर रेडिएशन को ये ट्रैप करती है, और जिसकी वजह से अर्थ गर्म होता है। लेकिन ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, ये जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन होता है ना, इसको बाहर जाने नहीं देती है। ऐसे समझना आप कि मान लो ये अर्थ सरफेस है, गिव मी अ मोमेंट, ये अर्थ सरफेस है, यहां पे मान लो कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर है, तो ये सन के रेस से आने वाली जो रेडिएशन है इसको तो आने देगी अर्थ सरफेस पे, बट अर्थ से निकलने वाला जो रेडिएशन होता है उसको जाने नहीं देती है, जिसकी वजह से अर्थ का तापमान जो है वो बढ़ जाता है। जो
उसके बाद फिर क्या है, ये बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होती है ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए. टेम्परेचर बढ़ता है तो ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, आप सबको पता होगा. तो ये ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होती है. अदर गैसेस की जो वॉल्यूम है वो तो आज तक कांस्टेंट है, वो तो अभी तक कांस्टेंट चल रही है ऑलमोस्ट, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती जा रही है. क्यों? क्योंकि हमने फॉसिल फ्यूल्स जलाना बढ़ा दिया है, बिल्कुल फैक्ट्रीज वगैरह से जो स्मोक आता है और ये सारी चीजें होती है, इसकी वजह से क्या क्या रीजन होते हैं ये तो आप लोगों को पता ही होगा कि किस वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का जो कंटेंट है वो एटमॉस्फेयर में बढ़ता जा रहा है. तो इसके बारे में मुझे आई डोंट थिंक सो की चर्चा करने की जरूरत है. तो आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो वॉल्यूम है ये टाइम के साथ इंक्रीज होता जा रहा है और बाकी जो गैसेस है वो कांस्टेंट है. तो अगर सोचो कि एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता जाएगा तो आप सोचो कि अर्थ कितना गर्म हो जाएगा, क्योंकि अर्थ जो है वो इनकमिंग सोलर रेडिएशन को तो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से पूरा पूरा अब्जॉर्ब कर रही है, लेकिन अर्थ की हीट को ट्रांसफर नहीं कर रही है. और अगर हीट ट्रांसफर नहीं होगा तो ये तो गर्म ही होता चला जाएगा ना, ये तो गर्म ही होता चला जाएगा, ठंडा होने का तो इसको मौका ही नहीं मिलेगा. तो इस वजह से कार्बन डाइऑक्साइड काफी खतरनाक गैस साबित हो सकती है. फिर हम देखते हैं ओजोन लेयर. अब ओजोन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एटमॉस्फेयर में. ये जब हम अर्थ सरफेस से 10 से 50 किलोमीटर ऊपर जाते हैं तो हमें ओजोन लेयर देखने को मिलती है. ये एक फिल्टर की तरह काम करती है. किसके लिए? अल्ट्रावायलेट रेज जो आती हैं इसको फिल्टर करने का काम करती है, ये अर्थ तक पहुंचने नहीं देती है. तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है अर्थ के एटमॉस्फेयर में. फिर देखते हैं वाटर वेपर. वाटर वेपर क्या करती है? अब जैसे मान लो कि ये अर्थ सरफेस है और ये इक्वेटर है. इक्वेटर आपको पता है अर्थ को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और सदर्न हेमिस्फेयर में. तो इक्वेटर आपको पता है कि यहां पे सन का जो रेज होता है, सन की जो लाइट होती है, सन की जो रेडिएशन होती है, ये सबसे ज्यादा इक्वेटर पे पहुंचती है. इक्वेटर पे पहुंचने के कारण क्या होता है कि यहां पे सबसे ज्यादा इवापोरेशन भी होता है वाटर बॉडीज से और सबसे ज्यादा बारिश भी होती है. सबसे ज्यादा इवापोरेशन भी होता है और सबसे ज्यादा बारिश भी होती है इक्वेटर पे, क्योंकि सन की रेज डायरेक्टली फॉल करती है यहां पे. तो ये क्या होता है कि यहां पे इसी वजह से हमें बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर वेपर भी देखने को मिलता है, जो कि रेनफॉल कराने का बहुत बड़ा रीजन है. ठीक है, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है. वाटर वेपर भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो ये वाटर वेपर भी एक तरह का ना ब्लैंकेट जैसा होता है. ये ब्लैंकेट की तरह होता है क्योंकि ये ना तो अर्थ को बहुत ज्यादा हॉट होने देती है ना ही अर्थ को बहुत ज्यादा कोल्ड होने देती है. इसकी वजह से अर्थ का जो टेम्परेचर है वो स्टेबल रहता है. तो आई होप आपको समझ में ये चीजें आ रही होगी. तो वाटर वेपर भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ताकि एयर की इनस्टेबिलिटी ना हो. अब कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं. ऑक्सीजन जो है वो अप्रोक्सीमेटली 120 किलोमीटर तक है. जो ऑक्सीजन है ये अप्रोक्सीमेटली 120 किलोमीटर तक मिलता है. CO2 और वाटर वेपर जो है वो 90 किलोमीटर्स के बाद हमें नहीं देखने को मिलता. तो इन दोनों फैक्ट्स को काफी अच्छे से ध्यान में रखिएगा कि जो ऑक्सीजन होता है 120 किलोमीटर अप्रोक्स तक मिलती है और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर जो होता है वो 90 किलोमीटर्स के बाद हमें नहीं देखने को मिलता है. सो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा. आप एक बार फटाफट से इनका रिविजन कर लो. हमने देखा था कि कैसे एटमॉस्फेयर की लेयर्स जो हैं वो स्ट्रेटिफाइड हैं, इसमें कौन कौन सी लेयर्स आती हैं, फिर सारे लेयर्स को हमने एक एक करके देखा था. उसके बाद कुछ वेरिएबल गैसेस के बारे में बात की थी और कुछ फैक्ट्स देखे थे. विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द लेक्चर. फॉर मोर ट्यूटोरियल्स प्लीज सब्सक्राइब टू गुरु मंत्रा चैनल. थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे.